कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। सर्जरी के बाद हमारी आंखों में एक पैच लगाया जाता है जिसको हम 5 से 6 घंटे के बाद या फिर अगले दिन सुबह खोल सकते हैं। उसके बाद हमें आंखों को बॉयल्ड कॉटन से या फिर स्टराइल वाइप से क्लीन करना है, लेकिन ध्यान ये रहे कि आंखों को अंदर टच नहीं करना है, आंखों को बंद करके ही क्लीनिंग करनी है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है, जो नो है। उसमें हमें आंखों को स्क्वीज़ नहीं करना, हमें आंखों को रब नहीं करना, आंखों के अंदर पानी के छींटे नहीं मारने, आंखों को धूल मिट्टी से बचाना है, आंखों के अंदर मेकअप अवॉइड करना है, स्विमिंग या कॉन्टैक्ट जो वाटर स्पोर्ट्स हैं उनको अवॉइड करना है, और आंखों को चोट से बचाना है, जैसे कि छोटे बच्चों का खेलते समय हमें ध्यान रखना है। अब कुछ एक्टिविटीज़ जो हम 3 से 4 दिन के बाद शुरू कर सकते हैं नॉर्मली, वो क्या है? हम 3 से 4 दिन के बाद नहाना शुरू कर सकते हैं, हम बाल भी धो सकते हैं, हम पूरा नहा सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि हमें आंखें बंद करके नहाना है या हम आंखों के आगे कॉटन रख लें। फिर हम नॉर्मल वॉकिंग अपनी सैर कर सकते हैं, हम आंखें अपना नॉर्मल गॉगल्स उतार के नॉर्मली घर के अंदर बैठ सकते हैं, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल कुकिंग अपनी लाइट कुकिंग, चाहे चाय बनाना है या नॉर्मल कुकिंग शुरू कर सकते हैं। आप नॉर्मल करवट ले सकते हैं, दोनों साइड करवट ले सकते हो, करवट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और आप टीवी देख सकते हो गॉगल्स लगा के थोड़ी देर के लिए, और इवन मोबाइल भी आप सुन सकते हैं। तो ये चीज़ें आप 3 से 4 दिन के अंदर अपनी नॉर्मली शुरू कर सकते हैं। कौन से टास्क हैं जिसके रिस्ट्रिक्शन नहीं है? सबसे पहले डाइट को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि हमें ये खाना है ये नहीं खाना। डाइट को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो नॉर्मल खाना खाते हो आप वो सारा खाना खा सकते हो, चाहे वो कोई दूध हो, घी हो, तली यानी XYZ हर चीज़ आप खा सकते हैं। और कोई रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे हो, चाहे वो शुगर की हो या BP की हो, वो वैसे ही चलेगी। और दूसरा है कि दवाइयाँ, कोई भी शुगर BP की दवाई या खून पतले होने की दवाई या जोड़ों के दर्द की दवाई, कोई भी दवाइयाँ जो आप पहले खा रहे थे आपने एज इट इज़ ऐसे ही खानी है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर आता है ड्राइविंग आप 1 वीक के बाद 4-व्हील ड्राइव नॉर्मली कर सकते हैं। हाँ, 2 व्हील्स की ड्राइव आपको थोड़ा सा 3 to 4 वीक्स के अंदर करनी चाहिए। फिर रीडिंग आप 2 वीक्स के बाद धीरे धीरे शुरू कर सकते हो, चाहे वो बुक्स हो या मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, तो दैट यू कैन स्टार्ट स्लोली आफ्टर 2 to 3 वीक्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें दवाइयाँ जरूर बड़ी सावधानी से समझनी भी है और डालनी भी है। दवाई डालते हुए जो आपने ध्यान रखना है, एक तो आपने हाथ धो के दवाई डालनी है, आपने नोज़ल को टच नहीं करना, और डालते समय आपने बहुत जेंटली नीचे वाली पलक को खींचना है और एक ड्रॉप डालनी है आइज़ में, और 2 दवाइयों के बीच में कम से कम 5 से 10 मिनट का फ़र्क रखना है। दवाइयों के अलावा आपने अपना अगली जो इम्पोर्टेंट है कि आपने जो फॉलोअप है अपना, जो डॉक्टर ने आपको बुलाया है, आपने बिल्कुल टाइम से अपना फॉलोअप करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है कि अगर आपको किसी भी टाइम सर्जरी के बाद कभी भी ऐसा हो कि तेज़ दर्द हो, लाली हो या नज़र में अचानक से धुंधलापन आ जाए, तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर या हॉस्पिटल से इमरजेंसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़।